हाय गाइस, कैसे हो? तो गाइस, इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इंस्टाग्राम यूज़र आपको ये देखने को मिलती है, या आप किसी से भी चैट कर रहे होते हैं तो अचानक से ये जो प्रॉब्लम है आपको देखने को मिलती है, आप उस यूज़र की प्रोफाइल पे जाते हैं तो वहाँ से ना उसकी प्रोफाइल फ़ोटो भी गायब हो जाती है, फॉलोअर पोस्ट फॉलोइंग जो भी हैं वो भी गायब हो जाती हैं, बायोस लिखा होता है वो भी गायब हो जाता है, और जो पोस्ट होती हैं वो भी गायब हो जाती हैं। यहाँ पे उसकी जगह पे नो पोस्ट ये लिखा हुआ आता है। तो गाइस, कुछ इस तरह की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रॉब्लम है तब आती है जब आप किसी से चैट कर रहे हो या नहीं चैट कर रहे हो, नॉर्मली भी होता है वो, जिस भी अकाउंट पे आप हैं उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या उसने अपना यूज़र नेम चेंज कर दिया हो तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या इंस्टाग्राम ने उसका अकाउंट जो है ब्लॉक या टर्मिनेट या सस्पेंड कर दिया हो तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर अकाउंट्स ब्लॉक कम होते हैं, या फिर जिस भी आप अकाउंट में वहाँ पे वो उस बंदे ने अगर यूज़र नेम चेंज कर दिया है तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या आप जिससे भी चैट कर रहे हैं उसने आपको ब्लॉक कर दिया है तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वैसे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये इंस्टाग्राम यूज़र लिखा हुआ आता है जब कोई आपको ब्लॉक कर देता है, तो जब आप उसकी प्रोफाइल पर जाते हैं तो उसकी प्रोफाइल पे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ आता है, पर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि वो ब्लॉक ही करे ऐसा नहीं है, हो सकता है उस बंदे ने अपना यूज़र नेम चेंज कर दिया हो। अगर वो यूज़र नेम चेंज कर देता है और आप उसकी प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करते हैं तो भी आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, बस यही इसका मतलब होता है और कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसको एक बार रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इंस्टाग्राम में और वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आपको प्रोफाइल पे चले आना, ऊपर कोने में आपको थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प, तो आपको हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट सेकिंग पे क्लिक करना है, और आपको इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट है वो पहले से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीनशॉट ऐड हो जाता है, तो आपको इसे हटा देना है, इसे हटाना है, कट पे क्लिक करना है और अपलोड कर देना है जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम आ रही है वो मैं ऐड कर देता हूँ, तो मैंने ना अभी ऐड कर दिया है, तो अभी ना वो मैंने ऐसे ही रेंडम सेलेक्ट कर दिया, आपको उसी प्रॉब्लम का जो है स्क्रीनशॉट ऐड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम के बारे में लिख देना है। तो मैंने ना यहाँ पे लिख दिया है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, मैंने यहाँ लिख दिया है कि मैं इस प्रोफाइल पे जा रहा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित आप जैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो जो मैंने लिखा है वही आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सेंड हो जाएगी। इसके बाद अगर आप ऐसे लोग करेंगे तो मतलब इससे जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, तो मतलब ये जो यहाँ से आप रिपोर्ट करेंगे तो वो शायद यहाँ से ये जो इंटरफेस है हटा दें, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस वजह से, वो हटा भी सकते हैं और पहले की तरह नॉर्मल भी रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा लोग ऐसे रिपोर्ट करते रहेंगे तो। तो वैसे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस इसका यही मतलब होता है अगर कोई यूज़र नेम चेंज कर देता है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर वो आपको ब्लॉक कर देता है तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या अकाउंट सस्पेंड या टर्मिनेट ब्लॉक या जो भी अकाउंट है उसने अगर डिलीट कर दिया है तो भी ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बस यही इस प्रॉब्लम का मतलब होता है।